बैक टू माई यूट्यूब चैनल द लिटिल थिंग्स एवरी डे। और मैं एग्जाम देके अभी गई हूँ और अभी शाम हो रही थी, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो हम लोग जाते हैं बाहर घूमने। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, हम लोग रेडी होके बस यहीं पर खड़े हैं और बस नहीं जा रहे हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये बाहर का ये जगह है, यहाँ इधर रूम है और अभी मैं पटना में हूँ और आपको दिखाती हूँ गवर्नर हाउस की जो रूम मिलते हैं वो, और आपको गवर्नर का ऑफिस भी मैं दिखाने लेके जा रही हूँ। बाहर से दिखा पाऊँगी बिकॉज ये सिर्फ मामा को ही अलाउ है अंदर जाके। तो ये देखिए मेरे साथ सुहानी है, सुहानी और मैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एक्चुअली, तो हम लोग वेट कर रहे थे बारिश के रुकने का, तो अभी बारिश रुकी है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है, बहुत पानी है, मैं नीचे दिखाती हूँ। तो हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि बारिश रुकेगी, बारिश रुकेगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो अभी फाइनली बारिश रुक गई है। वॉक इन डिस्टेंस पे है गवर्नर का घर, गवर्नर हाउस, तो दिखाती हूँ। और ये जो सोसाइटीज़ हैं जो कि गवर्नर हाउस में जो भी वॉक करते हैं तो उनके लिए है, है ना सुहानी? और कुछ बोलना चाहोगी तुम? बताया अभी बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू, बहुत मस्त है। हम लोग इधर रहते हैं, आते वक्त दिखाऊंगी। और ये देखिए ये सोसाइटीज हैं, मतलब सोसाइटी नहीं, आप क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर जिसमें ये लोग रहते हैं। ये अच्छे वाले जिनका अच्छा पे स्केल है वो, ये देखिए पानी, देखिए कितना पानी है, इसी में मेरे को भी जाना पड़ेगा इतने गंदे पानी। तो ये वाले जो क्वार्टर हैं वो है थोड़े कम पे स्केल वाले लोगों का लिए, और जो ये वाले जो क्वार्टर्स हैं जिनका हाई पे स्केल है उसके, ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत आसमान हो रहा है, और ये देखिए वाओ अमेजिंग। चलिए चलते हैं। ये पे कतर है, ये देखिए ये अजीब सा ही कुछ कैमरे पे लग रहा है, पानी आ गया है। एक सेकेंड, और बस हम लोग बस टहल रहे हैं। मेरा तो बचपन से ही मैं यहाँ पर आती जाती हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ नहीं होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नया है। ये देखिए सुहानी पीछे, इतनी हवा चली है और इतनी तेज बारिश हुई है ना, पेड़ वेड़ सब गिर चुके हैं राजभवन के मंदिर। और मंदिर, मंदिर दिखाती हूँ आप लोगों को, मंदिर है जो भी में लोग रहते हैं उनका, उनके लिए मंदिर है ये। ये देखिए ये इतने, इतनी तेज बारिश हुई है, ये लकड़ी वकड़ी सब गिर चुकी है। ले हम दर्शन को कहा पकड़ ना, हम दर्शन को तुझे अंदर तक है जी, चप्पल
मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और मैं आपको पोस्ट ऑफिस भी दिखा देती हूँ। जो भी यहाँ पर लोग मतलब वर्क करते हैं ना, उनके लिए सारी फैकल्टीज है, जैसे मंदिर हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर है। तो मैं गवर्नर हाउस का पोस्ट ऑफिस और ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हाउस का और ये है हॉस्पिटल डिस्पेंसरी गवर्नर हाउस का। ये देखिए बारिश में क्या हुआ, ये देखिए। चल स्वानी, कितना कितना पानी भरा हुआ है ना। ये देखिए पेड़ कैसे गिरे हैं, पानी कितना भरा हुआ है। स्टेट बैंक का एटीएम है, कोई नहीं है इस रास्ते पे, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ले हम आगा आगा चली थी, टक्कर बना। अच्छा व्यू है, ये है गौतम बुद्ध का प्लेस। सुहानी लेना तो इना पकड़ लिया मैंने। ये है गौतम बुद्ध का प्लेस और देखिए कितना खूबसूरत नजारा है शाम के टाइम। एक शॉट बना ली शुरू। इस वाले एरिया में सिर्फ प्राइवेट गाड़ी ही चलती है, कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, चाहे वो एमएलए हो जो भी हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंसान यहाँ पर आ सकता है और किसी को कोई परमिशन नहीं है आने की, है ना। नहीं देखा वो, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गवर्नर हाउस, ये है गवर्नर हाउस। अरे पार्क में चले रहा इतने, ये सारा जो है वो गवर्नमेंट का प्लेस है, गवर्नमेंट गवर्नर हाउस। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी जगह है ये, मन नहीं करता है अगर यहाँ पर जॉब हो गई ना मजे आ जाएंगे। गवर्नमेंट प्लेस और यहाँ पर गवर्नमेंट प्लेस के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इधर ये जो है एरो दे रखा है SBI राजभवन नेहरू पर 300 मीटर। पानी तो देखिए आप, ये देखिए हवाई जहाज। ये राजकीय अतिथिशाला है, ऐसा है कि हम लोग उधर से घूम के आए हैं, अभी इधर से हम घर पे भी चले जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को गवर्नर हाउस बाहर से और गवर्नर के घर के पास एम्प्लॉय का घर, वो कैसा लगे, कैसा लोकेशन लगा, प्लीज शेयर इन अ कमेंट बॉक्स। और वो दिखाती हूँ अतिथिशाला सामने ही है, ये है राजकीय अतिथिशाला। जो भी गवर्नमेंट का कोई भी हम गेस्ट आता तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं।
पटना का CBI ऑफिस भी यहीं पे है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पटना, ये भी यहीं पर है। और ये दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट है इसका। अभी हम लोग आ गए अपने घर की तरफ, तो अभी घर चलते हैं। बाहर का व्यू देखिए आप, जहाँ पे सुहानी, सत्यम, मामी, मामा सब रहते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस वाले कंपाउंड में कोई और रहता है, ये देखिए, ये है गैरेज। यहाँ पे क्या होता है सुहानी? सभी कार्य लगी रहती है, पापा का भी कार्य यहीं पर है, जिप्सी और सभी सरकारी काम काजियों का कार भी यहीं पर है, यहीं पर रहता है। ये सीधा 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 चलते जाएंगे। क्या आप लोग में से कोई भी यहाँ पर राजभवन के किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में रह रहा है तो प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स। देखिए आ गया, मेरे मामी है बाहर खड़ी। ये आम का पेड़, इन्होंने आम के पेड़ में आम के पेड़ में कौथी लगा लिया, मच्छरदानी लगाया, क्योंकि लोग आम चोरी करके ले जाते थे, इसलिए उन्होंने मच्छरदानी लगा दिया कि कोई आम नहीं लेके जाएगा। ये रही मामी खड़ी, ये देखिए इधर भी कपड़ा लगाया हुआ है कि कोई आम नहीं लेके जाए। हाय कौथी उन्हें। ये किचन है, गवर्नर हाउस की किचन है। ये देखिए ये शख्स क्या कर रहे हैं, मैच देखा जा रहा है।